प्रिय छात्रों, आज का विषय है वर्ण विन्यास और संयोजन। वर्ण विन्यास और संयोजन, सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्वर और व्यंजन, स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं। व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते हैं। स्वर है अ, व्यंजन है क। स्वर बिना स्वर के इस का का उच्चारण नहीं हो पाता है। जब इसमें अ मिलता है तब ये स्वर बनता है क। जब इस का के का में ई स्वर मिल जाता है तो बन जाता है की। जब इसका स्वर में का व्यंजन में ऊ स्वर मिलता है तो ये बन जाता है कु। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता की, बिना व्यंजन की, बिना स्वर की सहायता के उच्चारण उसका नहीं हो पाता है। तो स्वयं राजन्त इति स्वरः, स्वर जो है स्वतंत्र है, स्वयं अपना साम्राज्य करते हैं, और व्यंजन जो है परतंत्र है, विकलांग है, बिना वैशाखी के, स्वर रूपी वैशाखी के संयोग से व्यंजन जो है आगे चल पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। स्वर स्वतंत्र है, अकेले बोले जा सकते हैं, और व्यंजन जो है परतंत्र है, बिना स्वर के उनका उच्चारण कर पाना मुश्किल है, असंभव है। तो पहले तो हम देखते हैं कि स्वर और व्यंजन। अब आगे बात करते हैं वर्ण विन्यास व संयोजन। किसी शब्द को हम विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं। मान लीजिए कोई शब्द है, क्षमा। ये क्षमा शब्द है, इसका हमको वर्ण विन्यास करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्षमा शब्द कैसे बना। तो देखिए इसका विन्यास होगा स्वर और व्यंजन सभी को अलग करते करते क्षमा। क श अ, इन तीनों स्वरों को मिलाकर के बनता है शब्द, बनता है क्ष, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है इसलिए। और म दिखाई दे रहा स्पष्ट है। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन क्या है। श, त्र और ज्ञ, ये तीन जो है, ज्ञ जिसको बोलते हैं, ज्ञ जिसको बोलते हैं, ये तीन संयुक्त व्यंजन है। श का निर्माण कैसे होता है पहले देखते हैं। श हलंत क, श प्लस अ, तीनों व्यंजन स्वर व्यंजन मिलकर के बनता है क्ष। ऐसे ही त, र, अ, तीनों मिलकर के बनता है त्र। ज, ज्ञा, अ, ये मिलकर के बनता है ज्ञा। तो पहले तो इन संयुक्त व्यंजन को समझें, उसके बाद वर्ण विन्यास आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये है आपका क्षमा। मान लीजिए कोई शब्द आया प्रार्थना, प्रार्थना शब्द है, इसका आप वर्ण विन्यास कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्र, आप बोध उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, उच्चारण करके देखते हैं। तो प्र, प, र, अ शब्द बन गया प्र, और प्रा है, प्र नहीं है, यहां पर प्रा दिखाई दे रहा है, तो प्रा। उसके बाद ऊपर जो रेफ उड़ा है ये भी आधा र है, प्लस र, तो शब्द बन गया हमारा प्रार। आगे है थ, उसके बाद है ना, बोल के देखिए, प्रार्थना, प्रार्थना। आगे है ऋषि, ऋषि शब्द है, मान लीजिए इसका विग्रह कैसे करेंगे। तो री पहले से ही स्वर है, आपको उसमें कुछ भी घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं। आगे है श, और उसके बाद है ई, उसके बाद है विसर्ग, ये शब्द बनता है ऋषि। स्वर हमेशा ध्यान रखना है, सभी व्यंजन वर्णों को हलंत लिखना है। जब भी हम विग्रह करें, वर्ण विन्यास करें, तो
व्यंजन वर्ण को इस प्रकार से हलंत लिखें। स्वर कभी हलंत नहीं होते, मैंने पहले ही कहा था स्वर स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, व्यंजन परतंत्र हैं, वैशाखी की तरह बिना स्वर के उनका उच्चारण उनका प्रयोग नहीं हो पाता है। और एक शब्द देखते हैं ज्ञानी, ठीक वैसे अभी मैंने संयुक्त स्वरों के बारे में बताया था, संयुक्त स्वर संयुक्त व्यंजन के बारे में, तो ज या आ ये शब्द बन जाता है आपका ज्ञान या ज्ञा। आगे है नी, ना के बाद बड़ी ई, बड़ी ई दिखाई दे रही इधर, तो शब्द बन गया ज्ञानी या ज्ञानी। ये है आपका वर्ण विन्यास, ये है आपका वर्ण विन्यास, वर्णों को अलग अलग कैसे करें। अगला टॉपिक आता है आपका संयोजन, वर्ण संयोजन। अभी हम देख रहे थे ये है वर्ण विन्यास, जब विन्यास समझ में आ गया तो संयोजन भी। तो अभी हमने वर्ण विन्यास पढ़ा था, अब देखिए वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन क्या है? अलग अलग वर्णों को इकट्ठा करना, संयोजित करना, उनको एक साथ लिखना। अब आप इस प्रकार से वर्ण विन्यास दिया गया है, आपको वर्णों को संयोजित करना है। संयोजित का मतलब इकट्ठा करना है आपको। अब आप कैसे इनको इकट्ठा करेंगे? तो सबसे पहले आप स्वरों को व्यंजन के साथ जोड़ते हुए आप एक शब्द बना देंगे। जैसे ये शब्द मान लीजिए आ है, आ स्वर है, इसलिए इस पर हलंत नहीं है, व्यंजन पर हलंत है, व्यंजन पर हलंत है, व्यंजन पर स्वर पर नहीं है, किसी भी स्वर पर हलंत का प्रयोग नहीं होता है। व्यंजन हमेशा सभी व्यंजन हलंत के साथ, हलंत का मतलब आधा। आप देखिए इसको मिलाते ही जोड़ते हैं, आश ई आशी र वा द, मिला के देखिए, पढ़ के देखिए, आशीर वा दह, शब्द बन जाता है आशीर्वाद, आशीर आशीर्वाद, शब्द बन जाता है आशीर्वाद। ऐसे अगले शब्द मिलाइए, का में री मिलाई क्री, का में अकृत घन अकृतघ्न, देखिए मिलाकर क्री त कृत घन, शब्द बन जाता है कृतघ्न, कृतघ्न। तीसरा शब्द देखते हैं म अ मह म ह मह, ऋषि ऋषि, शब्द बन जाता है महर्षि, शब्दों को धीरे धीरे मिला के देखिए, पर अ द यु, तो पर अ प्र द यु प्रद्यु मना प्रद्युम्न, शब्द बन जाता है पर प्र पर अ, इनको मिलाकर यहां तक शब्द बन जाता है प्र, आगे द यु द्यु और मना, ये बन जाता है मना, इस प्रकार शब्द बन जाता है प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण के बेटे का नाम था प्रद्युम्न। ऐसे ही व आ वास वासुदेव, अगला शब्द बन जाता है वासुदेव, इस प्रकार से। अगला शब्द है औष औषधम, औषधम, अगला शब्द बनता है औषधम। और लास्ट है व्यंजन को स्वर के साथ मिलाइए, भ में आ भ पूरा हो गया, व में आ भव दामी भवदी, य में आ भवदीयः, शब्द बन गया भवदीयः। तो ये शब्दों का वर्ण संयोजन हो गया, सॉरी वर्णों का संयोजन हो गया, ये शब्द बन गए। अब आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे, समझ चुके होंगे कि वर्णों का विन्यास और वर्णों का संयोजन हमें किस प्रकार करना है। ये वर्ण संयोजन है, इस प्रकार हम स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाते हुए शब्दों को तैयार करें। तो ये टॉपिक हमारा हो गया वर्ण विन्यास व संयोजन।